हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्जी। तो ये करेला है जो बहुत इतने ही साइज में थे, हम दो टुकड़े में उनको काट कर लिए हैं और इसको अच्छे से धुल भी लिए हैं। और ये देखिए, ये रहा मिर्च 3 और इसमें सरसों दाना है, पीला सरसों भी है और ये ब्लैक वाला भी है, और थोड़े से गरम मसाले भी मैं डाल के रखी हूँ। और सरसों को मैंने भून लिया है थोड़े देर के लिए, 2 सेकंड के लिए। और ये सौंफ और करायल है, कलौंजी, तो इसे भी मैंने भून लिया है थोड़ी देर, और मैं इसे पीस लूंगी। और साथ में ये रही मूंगफली, देख सकते हैं ये पीसी हुई मूंगफली है, भुनी हुई मूंगफली है। और ये प्याज और लहसुन की कुछ कलियां हैं, इसे भी मैं पीसूंगी, पर पहले सूखा मसाला इसे पीसूंगी। तो इस तरह से हम करेला बनाएंगे, बहुत अच्छा करेला बनता है, आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा इस तरह करेला बना के। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा जीरा भी भून के मिक्स कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जीरा मैं थोड़ी सी ही भूनी हूँ, और 1 टीस्पून, और बहुत हल्का ही भूनी हूँ, तो इसमें मिक्स कर लेते हैं। और ये मूंगफली भी, इसे हम पहले पीस लेंगे। और ये नारियल भी है जिसे मैं मिक्स करूंगी इसमें, तो इसको बाद में पीसेंगे, इन सब के साथ पीसेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं पहले। तो देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है, तो करेले को हम डाल देंगे। तो बस स्लो फ्लेम में, बहुत तेज नहीं करेंगे, ऐसे ही आराम से ब्राउन होने तक इसे तलेंगे। और फिर जब मसाला ऐड करेंगे तो हम दिखाएंगे इसको, बहुत धीमा ही फिर ढक के पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए। तो पहले तो ब्राउन होने तक ऐसे ही तलेंगे इसे। तो गाइस देख सकते हैं, इस तरह से हमारा करेला ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, और ये जो प्याज लहसुन और नारियल का पेस्ट तैयार है उसको भी इसी में। तो ये साथ में मसाला और करेला और पकेगा इस तरह से। और ये भुना हुआ मसाला जो पीसे थे, वो सभी सामग्री जो मसाले में थी उसको भी मिक्स कर देंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ा सा हल्का सा इसमें हम नमक मिलाते हैं। तो ये थोड़ा सा हल्का सा हम नमक मिलाते हैं, 1/2 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसे आप 4-6 दिन तक फ्रिज में रख के स्टोर करके इस सब्जी को खा सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। और कहीं भी अगर सफर करते हैं तो इसे ले जाए पूरी पराठे के साथ, बहुत ही अच्छी सब्जी बन के तैयार होती है। तो इसे अब हम ऐसे ढक के इसमें प्लेट ढक देंगे और धीमे आंच में इसको पकाएंगे 5 से 10 मिनट्स, और ये सब्जी फिर रेडी। तो ये देख सकते हैं करेला बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप कहीं भी ले जाएं पूरी पराठे के साथ इसे खाएं और इसका मजा उठाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग भी इसी तरह बनाइए, खाइएगा। थैंक यू।